Dear student, and welcome to the video on basic concept of electrical parameters. Today we have learned about the unit number 1, that is basic electrical parameters in fundamental of electrical engineering subject. Outcomes. After watching this video, we will able to understand the basic knowledge of electric parameters. And second one is identify the various types of electric circuit parameters. So student, in this topic we will discuss the various types of electric parameters like current, voltage, resistance, capacitor, inductor, etc. Students, I know that ye sare words aapne sune hai, but iska actual technical meaning jaise definitions, units, symbol, ye sare cheeze hame ye subject mein padhna hai. So, first of all, we discuss the definition of current. The basic electrical parameter current, the definition of current is the rate of flow of electrons in a conductor is called as electric current. It is denoted by I and unit is ampere and formula of current I is equal to V divided by R. So, I for current, V for voltage, and R for resistance. करंट यानी क्या होता है, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कंडक्टर से फ्लो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, करंट. नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेजिस्टेंस. डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. इट इज डिनोटेड बाय आर and symbol is this. The unit of resistance is ohm and formula of resistance R is equal to rho L divided by A. R for resistance, rho for it is specific resistance of the material in ohms meter, and L for length of conductor in meter, and A for cross sectional area of conductor in meter square. सो हमने अभी जैसे दो डेफिनेशंस पढ़े हैं, करंट एंड रेजिस्टेंस. करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर. जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर से फ्लो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, करंट. जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करने के लिए जो इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरामीटर होता है उसका नाम है रेजिस्टेंस. यानी करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी किस में है, रेजिस्टेंस में. डियर स्टूडेंट्स, मैं एक डेली रूटीन में हमारा जो एक छोटा सा एग्जांपल होता है वो मैं बताना चाहूँगी. हम स्टूडेंट, हमें पता नहीं होता है कि अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है. हम इलेक्ट्रॉन्स की तरह एक पाथ में फ्लो होते जाते हैं, एक कंडक्टर में फ्लो होते जाते हैं. यहाँ पर हमें अपोज करने वाला कौन होता है, घर में बोलो या फिर कॉलेज में. घर में हमारे रहते हैं पेरेंट्स एंड कॉलेज में होते हैं हमारे टीचर्स. मतलब हमें हर बुरी चीज़ करने से वो रेजिस्ट करते हैं, यानी रेजिस्ट करते हैं यानी अपोज करते हैं, है ना. तो ये अपोज करते हैं, तो अपोज करने की प्रॉपर्टी किस में है, रेजिस्टेंस में. और हमें अपोज, जैसे हमारे पेरेंट्स और टीचर दोनों अपोज करते हैं, मतलब वो रेजिस्टेंस की जगह है एंड हम स्टूडेंट्स करंट की जगह है. तो शायद ये दोनों डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, आई होप. नेक्स्ट डेफिनेशन वी विल डिस्कस पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस यानी होता है वोल्टेज. तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज, द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी गिवन टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल्सो नोन एज वोल्टेज, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय V, and unit of voltage is volt and formula is voltage yani V equal to I into R. V for voltage, I for current and R for resistance. तो voltage का क्या formula हो गया या फिर potential difference का क्या formula हो गया, V is equal to current into resistance. Next definition is capacitor. What is the definition of capacitor? It is the definition, it is the defined as the
टू स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज कैपेसिटर. इट इज डिनोटेड बाय सी एंड सिंबल इज दिस. यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज फैराड और माइक्रो फैराड और नैनो फैराड और पीको फैराड. कैपेसिटर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करके रखता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर. नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंडक्टर. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टर? इंडक्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट टू दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इंडक्टर. इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड कंसिस्ट ऑफ वायर लूप और कॉइल. द इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल एंड इट इज डिनोटेड बाय एल एंड सिंबल इज दिस. एंड यूनिट ऑफ इंडक्टर इज हेनरी. तो स्टूडेंट, हमने इंडक्टर की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? इंडक्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट टू दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जैसे हमने कैपेसिटर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें क्या बोला था कि टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल पावर इज नोन एज कैपेसिटर. बट इंडक्टर का जो फंक्शन होता है वो एनर्जी तो स्टोर करके रखता है, लेकिन किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वर्ड्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में. ये इंडक्टर और कैपेसिटर की डेफिनेशन हमेशा एग्जाम में आती है, दो दो मार्क्स के लिए, तो इसे अच्छे से लर्न करना है. ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ इंडक्टर क्या रहेगा? इट इज़ द टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये वर्ड्स अच्छे से याद रखना है. एंड यूनिट, यूनिट इज हेनरी. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट डेफिनेशन इज पावर. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर? द इलेक्ट्रिक पावर ड्यू टू वोल्टेज एज वेल एज करंट. सेकेंड पॉइंट इज इट इज द डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर. द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर एंड इट इज डिनोटेड बाय पी एंड वैट इज इट इज द यूनिट. द फॉर्मूला ऑफ पावर पी इज इक्वल टू वी इन टू आई. पी फॉर पावर, वी फॉर वोल्टेज एंड आई फॉर करंट. सो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? पावर इज इक्वल टू वोल्टेज एंड करंट एंड यूनिट इज वैट. नेक्स्ट डेफिनेशन इज एनर्जी. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी? इलेक्ट्रिक Energy is defined as the product of electric power and time is called energy. Formula of energy. Energy is equal to power into time. हमने definition में क्या लिखा है? Product of electric power and time. तो formula क्या रहेगा energy का? Energy is equal to power into time. Previous स्लाइड में हमने पावर की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें पावर का क्या फॉर्मूला था? वोल्टेज इनटू करंट. तो यहाँ पर क्या मैं पावर की जगह वोल्टेज इनटू करंट लिख सकती हूँ? और वोल्टेज इनटू करंट यानी पावर, और पावर का यूनिट क्या था? वैट. तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है द यूनिट ऑफ पावर इज वैट एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. तो एनर्जी का यूनिट क्या हो गया? वैट सेकेंड. इसे ही हम क्या बोलते हैं? जूल. तो यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. एंड फॉर्मूला इज ई इज इक्वल टू पी इंटू टी. पावर का क्या फॉर्मूला पढ़े थे प्रीवियस स्लाइड में? वी इंटू आई यानी वोल्टेज इंटू करंट. तो क्या मैं पी की जगह यानी पावर की जगह वी इंटू आई लिख सकती हूँ? इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है वी कैन राइट ई इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी एंड यूनिट इज जूल. क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशन इज वर्क. एन इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क? एन इलेक्ट्रिक वर्क इज द वर्क डन टू ट्रांसफर अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड एज वर्क. हेंस
वर्क डन मूव अ चार्ज ऑफ क्यू कूलम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्ट। चार्ज को हम किसे डिनोट करते हैं, क्यू से, एंड उसका यूनिट होता है कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। एंड वर्क इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू एंड यूनिट इज जूल। फॉर्मूला ऑफ वर्क, W इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वर्क इज इक्वल टू चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से, इंटू पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज यानी V। तो फॉर्मूला बन गया कि W इज इक्वल टू Q इंटू V एंड यूनिट इज जूल। आई होप डियर स्टूडेंट ये सारे डेफिनेशन आपको अच्छे से समझे होंगे। अगर नहीं समझे है तो यू कैन आस्क मी एवरी टाइम। थैंक यू।